नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर और मैं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। पंचायती राज विभाग बनाएगा ग्राम पंचायतों की समितियों को प्रभावी। डिप्टी सीएम ने कहा, बोर्ड परीक्षाओं को लेकर हमारी तैयारी पुख्ता। वैक्सीनेशन के लिए सभी जिलों में बनेंगे अभिभावक स्पेशल बूथ। डीएम ने निगरानी समितियों संघ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सीएमओ ने बताया, बच्चों के संक्रमित होने पर क्या बरतें सावधानी। सरकारी गेहूं की कालाबाजारी का वीडियो हुआ वायरल। 205 लीटर अवैध शराब, 3 भट्टियां बरामद, 15 अभियुक्त गिरफ्तार। लहरपुर में 3 सातिर वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की 3 बाइकें बरामद। योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के मृतक आश्रितों को सहायक अध्यापक और कनिष्ठ लिपिक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। अभी तक विभाग में चतुर श्रेणी के पद पर ही अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान था। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि अब उन मृतक आश्रितों जो बीएड, डीएलएड पूर्व में बीटीसी तथा टीईटी डिग्री धारक हैं, उनको अध्यापक तथा जो टीईटी उत्तीर्ण नहीं है परंतु तृतीय श्रेणी में नियुक्त की अहर्ता रखते हैं, उनको पद रिक्त न होने की स्थिति में भी अधिसंघ के पद पर तृतीय श्रेणी में नियुक्ति दी जाएगी। दरअसल सरकार ने शिक्षक व कर्मचारी संघ के उन दावों को पूरी तरह नकार दिया था जिसमें पंचायत चुनाव के दौरान 1600 से भी अधिक शिक्षक व कर्मचारियों की मौत की बात कही गई थी। हालांकि विरोध को देखते हुए फिर सरकार ने नरम रुख अपनाया है। प्रदेश सरकार अब तक कागजी साबित होती रही ग्राम पंचायत की समितियों को प्रभावी बनाने पर विचार कर रही है। इसी क्रम में 27 मई को नवगठित ग्राम पंचायतों को पहली बैठक में ही इन 6 समितियों का गठन किए जाने की योजना है। दरअसल ग्राम पंचायत का पूरा कामकाज 6 समिति में काम हुआ अधिकार तय है, लेकिन मासिक बैठक न होने, सदस्यों की निष्क्रियता तथा प्रधानों व पंचायत सचिवों की सदस्यों को नजरअंदाज कर काम करने की कार्यप्रणाली से ये सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाती। सरकार इस बार कार्यकाल के प्रारंभ से ही समितियों की भूमिका को प्रभावी बनाने की योजना पर काम कर रही है। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह का कहना है, ग्राम पंचायतों की समितियों की पंचायत के कामकाज में अहम भूमिका है। पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायत की समितियों का गठन करने का खाका खींच लिया है। गांव का प्रधान, नियोजन एवं विकास समिति, प्रशासनिक समिति तथा शिक्षा समिति का सभापति होगा। निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति तथा जल प्रबंधन समिति के सभापति का चुनाव ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाएगा। सभी समितियों में सभापति के अलावा 6 निर्वाचित सदस्य होंगे। इनमें 1 महिला व 1 अनुसूचित जात जनजात तथा 1 पिछड़े वर्ग का सदस्य होगा। समिति के सदस्यों का चुनाव ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा। समिति की बैठक के लिए 4 सदस्यों का कोरम होगा। समिति की बैठक माह में कम से कम 1 बार अवश्य होगी। समितियों का सचिव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी होगा। यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की 2021 की परीक्षा आयोजित करने पर उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियों को पर्याप्त एवं पूर्ण बताया है। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि हमारी तैयारियां इतनी पुख्ता हैं कि केंद्र सरकार का निर्देश मिलते ही 1 महीने में परीक्षा करवाने के साथ परिणाम भी घोषित कर देंगे। उन्होंने प्रबंधकों एवं जिला विद्यालय निरीक्षकों से कहा कि बोर्ड परीक्षा के पहले बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए 18 वर्ष की आयु से अधिक के सभी बच्चों, शिक्षकों के टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवा कर अभियान चलाया जाए। कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने के लिए प्रयास में जुटी
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नज़र अब तीसरी लहर से निपटने पर है, क्योंकि विशेषज्ञों ने तीसरी लहर से छोटे बच्चों को खतरे की आशंका जताई है। इसलिए सरकार ने तय किया है कि जिन अभिभावकों के बच्चे छोटे हैं उन्हें टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में अभिभावक स्पेशल बूथ बनाने का भी निर्देश दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण काल में सर्वाधिक कारगर हथियार मास्क को माना जा रहा है। सीतापुर के एक साधु के बाद लखीमपुर खीरी के युवक महेंद्र सिंह का मास्क इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल जानवरों के मुंह पर बांधे जाने वाले जाबी के अंदर नीम की पत्तियां डालकर महेंद्र मास्क के रूप में उपयोग कर रहा है। जब उससे पूछा गया कि यह मास्क कहां से मिला तो उसका जवाब था अस्पताल से। वहीं सीतापुर के बस स्टैंड के पास साधु बाबा ने हर्बल मास्क पहना था। उनका मास्क नीम और तुलसी की पत्तियों से बना है। उन्होंने बताया कि तुलसी और नीम में एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, इसी कारण उन्होंने जो मास्क पहना है वह बाकी मास्क की तुलना में ज्यादा असरदार साबित होगा। जिला अधिकारी विशाल भरद्वाज ने सदर तहसील सभागार में मोहल्ला निगरानी समितियों की बैठक के दौरान कोविड नियंत्रण के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करने और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी उपाय है। संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत इसकी उपयोगिता और अधिक है, इसलिए तीसरी लहर से पूर्व टीकाकरण के लक्ष्य को 100% पूर्ण किया जाए। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर आदि उपकरण खराब होने पर तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। अशासी अधिकारी को सैनिटाइजर मशीनों को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। बैठक में एसडीएम सदर अमित भट्ट, सीओ सिटी पीयूष सिंह, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पूनम भास्कर, शम्स खान, तहसीलदार सदर संजय यादव आदि मौजूद थे। अपर जिलाधिकारी विनय पाठक ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों, श्रमिकों व अन्य ग्रामीणों के वैक्सीनेशन के लिए शासन से ऑनलाइन पंजीकरण को लेकर जनसेवा केंद्रों का प्रयोग किए जाने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं। उन्होंने बताया जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों, श्रमिकों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाने को लेकर जनसेवा केंद्रों का संचालन प्रातः 10 बजे से साय 5 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए संचालन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कोरोना काल में कालाबाजारी और सरकारी चोरी किस कदर बढ़ गई है। वायरल हो रहा यह वीडियो हुक्मरानों को आईना दिखाने भर को काफी है। यह ट्रक सरकारी गेहूं को बिसवा से सीतापुर ले जा रहा है। खैराबाद के बिशुनपुर चौराहे पर सड़क किनारे फड़ लगाकर गेहूं की खरीद करने वाला व्यापारी को अक्सर सरकारी गेहूं से भरी बोरियां बेची जाती हैं, मगर यह सब जिम्मेदारों को या तो दिखाई नहीं देता है या फिर उनकी भी मिली भगत है। बहरहाल एक जागरूक नागरिक ने सरकारी गेहूं की इस तरह हो रही चोरी का वीडियो वायरल कर दिया है। अब देखना यह है कि जिम्मेदार कोई कार्रवाई करते हैं या चोरी का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। भारत परिषद की वर्चुअल बैठक मंडल अध्यक्ष रत्नेश द्विवेदी की अध्यक्षता में की गई। वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर याकूब खान ने कहा कि सरकार द्वारा पटरी दुकानदारों का भत्ता बढ़ाकर 3,000 कर देना चाहिए, ताकि दुकानदार भी अपने परिवारों का भरण पोषण सही ढंग से चला सके। चिकित्सा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सचिन त्रिपाठी ने कहा कि थर्ड जेंडर व नाच गाकर अपना जीवन यापन करने वाली बालाएं व ब्रजवासी भी कोरोना काल में बेरोजगार हो गई, इनको भी इस समाज में जीने का हक है, इनको भी सरकार द्वारा भत्ता दिया जाना चाहिए। बैठक में अजीत सक्सेना, अनिल श्रीवास्तव, सीमा वाजपेयी, रत्नेश द्विवेदी, डॉक्टर बीरेंद्र कुमार, आर्य रत्नेश द्विवेदी, आकाश राय, सुधांशु मिश्रा, डॉक्टर कमल किशोर सेठ, विनीता सिंह, शिखा शर्मा, सरिता शर्मा, अनुपमा द्विवेदी शामिल हुई। अन्नपूर्णा साहित्य संगम की साप्ताहिक काव्य गोष्ठी ने 436 सप्ताह पूरे कर लिए हैं। इस रविवार भी ऑनलाइन गोष्ठी हिंदी भाषा के मर्मज्ञ व कवि ए के मिश्रा की अध्यक्षता
पुष्पा अवस्थी, महफूज रहमानी, केपी मिश्रा, जीएल गांधी के संरक्षण में संपन्न हुई। संचालन अजय श्रीवास्तव ने किया। गोष्ठी में पुष्पा अवस्थी, महफूज रहमानी, मंजर यासीन, एके मिश्रा, जीएल गांधी, केपी मिश्रा, बद्र सीतापुरी, यासीन इब्ने उमर, राजकुमार श्रीवास्तव, विनोदनी रस्तोगी, शैलेंद्री तिवारी, अंबुज दीक्षित, सुमन मिश्रा, ममता वर्मा, सुनीता यादव, अजय श्रीवास्तव, नीतू यादव, लक्ष्मी वर्मा, अंकित प्रसून, सूबेदार वर्मा, रियाज सीतापुरी, बीरू वर्मा, प्रद्युम्न द्विवेदी आदि ने काव्य पाठ किया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आई इंडिया। स्टूडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। एसडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। गर्मी बढ़ते ही सिधौली के बासिंदों को बिजली रुलाने लगी है। नगर में करीब एक सप्ताह से अघोषित कटौती जारी है। उपभोक्ताओं को पता ही नहीं लग पाता बिजली कब आकर चली गई। दिन ही नहीं रात में भी आवाजाही लगी रहती है। गर्मी से निजात पाने के लिए बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी हाथ में पंखे का सहारा लेने को मजबूर हैं। उपभोक्ता रामचंद, नीरज, बबलू ने बताया कि पावर हाउस या जेई तथा एसडीओ को फोन मिलाने पर फोन नहीं उठता है। उन्होंने आपूर्ति में सुधार किए जाने की मांग की है। सेवा ही संगठन के तहत भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा ने शहर के हुसैनगंज, नवीन चौक, तामसेनगंज, मनोज पांडे चौक सहित अनेक क्षेत्रों में जरूरतमंदों को कोरोना औषध किट, भोजन पैकेट व मास्क का वितरण किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने कहा कि आपदा काल में जरूरतमंदों की सेवा से बढ़कर कोई पुनीत कार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार प्रत्येक व्यक्ति को टीकाकरण के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। वहीं योगी सरकार शहरों से गांव तक टीकाकरण, बेहतर इलाज व दवाइयां मुहैया कराने का काम तत्परता से कर रही है। इस मौके पर नीरज वर्मा झल्लर, अनूप विश्वकर्मा, सचिन मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, शुभम पांडे, सत्यम सिंह, उत्तम पांडे आदि मौजूद थे। ब्लॉक धुंधला मऊ की ग्राम पंचायत तरसावा में ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यों की उपस्थिति में निगरानी समिति की बैठक हुई, जिसमें कोविड से बचाव के लिए ग्रामीणों को जागरूक करते हुए कोरोना के लक्षण दिखने पर तुरंत प्रधान को सूचित करने की बात कही गई। इस मौके पर प्रधान दीपक मौर्य, ग्राम पंचायत अधिकारी अभय प्रताप, पंचायत मित्र सुनील कुमार, आशा बहु कामनी देवी, सुनीता देवी, विक्रम मौर, लल्लू गौतम, अशोक कुमार, पुष्कर इस्तियाक, इस्तियाक अली आदि मौजूद थे। लहरपुर पुलिस ने रविवार की देर रात 3 सातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली प्रभारी राय साहब द्विवेदी, नगर चौकी प्रभारी गिरजा शंकर सिंह व उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह द्वारा बिस्वा तिराहा गेट पर दबोचे गए वाहन चोरों के पास से 3 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। पकड़े गए चोरों की पहचान मजनू राज पुत्र बिहारी निवासी भुकवापुर थाना हरगांव, पुल्लू पुत्र राजेश पुत्र साहबदीन निवासी मानपुर घुरेपारा थाना तालगांव तथा सुदामा पुत्र कन्हैयालाल निवासी शाहबाद थाना तालगांव के रूप में हुई है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला बताती हैं कि जिन बच्चों को ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे गिरता है उन्हें कोविड अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए। गाइडलाइन में बच्चों को स्टेराइड देने की मनाही की गई है। सिर्फ गंभीर बच्चों को जरूरत पड़ने पर यह दवा देने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा कोविड के इलाज में इस्तेमाल हो रही रेमडेसिविर, आइवरमैक्टिन,
फैवी पैराविर जैसी दवाओं को बच्चों को देने से मना किया गया है। जिन बच्चों का ऑक्सीजन लेवल 90 से कम आता है उन्हें गंभीर निमोनिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम जैसी बीमारियां हो सकती हैं। सीएमओ के मुताबिक कुछ बच्चे बुखार के साथ पेट दर्द, उल्टी व दस्त की समस्या के आ सकते हैं। उनका भी कोरोना मरीज के तौर पर इलाज किया जाना चाहिए। उनका स्टूल टेस्ट कराने पर पुष्ट हो जाएगा कि उन्हें कोरोना है या नहीं। इसके अलावा कुछ बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी हो सकता है, जिसके लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। अधिकांश बच्चे लक्षण विहीन हो सकते हैं, इसलिए उनका इलाज सावधानी से करने की ज़रूरत है। लहरपुर कोतवाली प्रभारी राय साहब द्विवेदी ने कोविड प्रोटोकॉल और सुरक्षा के मद्देनजर सोमवार को नगर की बैंक शाखाओं का निरीक्षण किया। नगर के खत्रियाना चौराहा स्थित इंडियन बैंक, गौरिया प्रहलादपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक, मजा शाह चौराहा स्थित यूनियन बैंक, शहर बाजार स्थित एक्सिस बैंक व HDFC बैंक सहित बैंक ऑफ इंडिया व बैंक ऑफ बड़ौदा में उपभोक्ताओं से मास्क लगाने व उचित दूरी बनाए रखने की कहा। बैंक में तैनात गार्ड को संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर अंदर प्रवेश देने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं। अवैध शराब निर्माण व बिक्री की रोकथाम के लिए सीतापुर पुलिस का अभियान लगातार जारी है। सोमवार को कोतवाली देहात थाना हरगांव तालगांव हरेउसा मिश्रिक व सकरन में 205 लीटर अवैध शराब तथा 3 भट्टियां बरामद की गई हैं। इस कारोबार में लिप्त 15 अभियुक्त गिरफ्तार भी किए गए हैं। थाना महोली पुलिस ने वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वांछित राजेश पुत्र प्रेमचंद्र गौतम और सोनू पुत्र राजेंद्र रैदास निवासी गढ़ बीड़नपुर थाना महोली के पास से ही एक देसी बंदूक, एक जिंदा कारतूस, एक देसी अद्धी व एक कारतूस बरामद किया गया है। अभियुक्तों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिश्रिक में कोविड से बचाव के लिए SDM गिरीश कुमार झा की अध्यक्षता में निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। NM व आशा बहू को संबोधित करते हुए SDM ने कहा कि ग्रामीणों को कोविड से बचाव तथा वैक्सीनेशन कराए जाने के लिए प्रेरित करते रहें। इस मौके पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रखर श्रीवास्तव, फार्मासिस्ट अनूप मिश्रा आदि मौजूद थे। ब्लॉक लहरपुर के प्राथमिक विद्यालय हिलालपुर में खंड शिक्षा अधिकारी रणजीत कुमार ने कोरोना महामारी पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से निगरानी समिति के सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें गांव में सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित व्यक्ति की जानकारी तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को देते हुए उसकी सूचना कोविड कंट्रोल रूम को भेजने की बात कही गई। इस मौके पर ग्राम प्रधान, आशा, आंगनबाड़ी सफाई कर्मी आदि मौजूद थे। सीज अधिकार बहाल होने तक पहली बार नैमिषारण पहुंची मिश्रिक। नगर पालिका अध्यक्ष सरला भार्गव ने मां ललिता देवी के दरबार में माथा टेका। उन्होंने कहा कि यह जीत सत्य और मिश्रिक नैमिष की जनता जनार्दन की जीत है। इसके बाद नगर पालिका पहुंचने पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सतीश शास्त्री, उपाध्यक्ष शुभम दीक्षित, गिरजा देवी गौतम, बिंदेश्वरी देवी ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए पालिका अध्यक्ष ने कहा उनकी प्राथमिकता कोविड की रोकथाम है। इस मौके पर सभा संघ के जिला अध्यक्ष विपिन मिश्रा, प्रदीप सिंह, मनोहर लाल हंस, प्रदीप राजवंशी, इंद्रपाल गौतम, ईओ रुद्र प्रताप सिंह, बड़े बाबू वेद, राजेश बाबू मौजूद थे। लहरपुर क्षेत्र के ग्राम देवरिया कसरैला तालगांव में RS यादव फिलिंग स्टेशन इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप का शुभारंभ। इस अवसर पर पंप संचालक ने कहा, मेरी प्राथमिकता ग्राहकों को सही माप और शुद्ध पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध कराना होगी। उन्होंने बताया कि पंप पर ग्राहक हितों की कई सुविधाएं विकसित की जाएंगी और पंप के कर्मचारियों को कोविड टीकाकरण भी कराया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही ग्राहकों को डीजल पेट्रोल उपलब्ध कराया जाएगा।
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ खैराबाद के अध्यक्ष पवन कुमार सिंह की अगुवाई में सोमवार को कार्य समिति के पदाधिकारियों द्वारा उन साथियों के परिवार से मुलाकात की गई जिनको कोरोना महामारी के क्रूर काल ने निगल लिया है। खैराबाद ब्लॉक के ऐसे सभी शिक्षकों के परिवार से मिलकर संगठन की ओर से सहानुभूति व्यक्त करते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा संगठन द्वारा ब्लॉक कोषाध्यक्ष सौरभ जायसवाल, शिक्षा मित्र संघ खैराबाद के अध्यक्ष संतोष मिश्रा को सभी दिवंगत शिक्षक साथियों के परिवार से नियमित संपर्क बनाए रखने के लिए नामित किया गया है। सोमवार को फतेहपुर से चलकर आर्यका संघ महमूदाबाद पहुंचा। जैन समुदायों के लोगों ने आर्यका संघ को पद विहार कराते हुए महमूदाबाद की सीमा में दाखिल कराया और सुबह तकरीबन 7 बजे नगर प्रवेश के बाद उन्हें जैन मंदिर पहुंचाया गया। आर्यका संघ में शामिल विकाम्या श्री और विगुंजन श्री माता का इस दौरान जैन मंदिर में विराजमान आचार्य विमर्श सागर मुनि संघ में मिलन हुआ तो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। आचार्य विमर्श सागर ने कहा कि जब हम सभी गुरुदेव के चरणों में होते हैं तब उनका वरद हस्त सिर पर होता है। आर्यका संघ ने महमूदाबाद जैन मंदिर में आचार्य विमर्श सागर के पाद प्रछाल कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। संघ का स्वागत जैन समाज के नेमी चंद जैन, प्रणय जैन, शशांक जैन, संयम जैन आदि ने किया। महमूदाबाद तहसील सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक में SDM सुरेश कुमार ने कहा कि जिन स्थानों पर लोग टीकाकरण अभियान की सफलता में बाधक बन रहे हैं वहां विशेष सजगता की जरूरत है। समाज में फैली अफवाहों पर विराम लगाना होगा और लोगों को टीकाकरण से होने वाले लाभों की जानकारी देनी होगी। वीडियो AK चौरसिया ने कहा कि वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने, कुपोषित बच्चों को चिन्हित करने, संक्रमित व्यक्तियों की पहचान करने, जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करने के लिए विशेष निगरानी समितियों का गठन किया है। बैठक को CSC प्रभारी डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव और डॉक्टर आशीष वर्मा ने भी संबोधित किया। बैठक में तहसीलदार अशोक कुमार, EO बबलू कुमार, BO पहला श्री कृष्ण प्रेमी, BO रामपुर मथुरा, दीपेश कुमार वर्मा, उमेश वर्मा मौजूद थे। खैराबाद नगर पालिका द्वारा सैनिटाइजेशन अभियान शुरू किया गया है जिससे नगर की गलियों, मकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष हाजी जली संसारी ने बताया कि लगभग 54 मोहल्लों को सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। यह कार्य अधिशासी अधिकारी हृदयानंद उपाध्याय की देखरेख में सफाई इंस्पेक्टर मनोज कुमार राणा द्वारा किया जा रहा है। कर्मचारियों द्वारा लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में जागरूक भी किया जा रहा है। यह था आज का खबरनामा। देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।